रोखा चैनल की पाठशाला में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्ययन चर्चा में भक्तिन पाठ के गद्यांश की व्याख्या करेंगे। इसके पहले महादेवी वर्मा जी के ही इसी गद्य पाठ की भाषा के बात के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों के उत्तर हम कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं गद्यांश आधारित अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले जो गद्यांश हम ले रहे हैं, मैं उसका पाठ कर रहा हूं। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है, तो कोई बाहर खड़ी मेरे लिए नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छूत के सनातन नियम से समझौता भी कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यह गद्यांश था, अब इसका संदर्भ जानते हैं। उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड से भक्तिन शीर्षक नामक संस्मरण से लिया गया है। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और अब प्रसंग, यहाँ पर लेखिका ने भक्तिन के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। व्याख्या, भक्तिन का जैसा कठोर और अनगढ़ सा स्वभाव बन गया है, उसका कारण है उसके जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियाँ। पर बाहर से कठोर दिखने वाली भक्तिन के हृदय में औरों के प्रति प्रेम और सद्भाव की भावना भी मौजूद है। इसे वही जान पाता है जो उसके संपर्क में आता है। लेखिका के विद्यालय की छात्रावासी लड़कियों के साथ उसका सहज लगाव हो जाता है। बदले में लड़कियां भी उसके आसपास मंडराने लगती हैं। भक्तिन उनके लिए अपने रसोई घर की पवित्रता के नियमों को भी ढीला कर देती है। लेखिका के बहुत से परिचित और रचनाकारों का घर पर आना जाना होता रहता है। भक्तिन उन्हें उसी अनुपात में सम्मान और सद्भाव देती है जिस अनुपात में वे लोग लेखिका के प्रति सम्मान और सद्भाव रखते हैं। ऐसा उसे किसी ने सिखाया नहीं, बल्कि उसने अपनी सहज मेधा से खुद ही सीख लिया है। ये व्याख्या हुई। अब इसी गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम देंगे। तो का प्रश्न है, भक्तिन का स्वभाव अपने परिवार में रहकर कैसा हो गया है? इसका उत्तर है, भक्तिन का स्वभाव अपने परिवार में रहकर कठोर, उग्र, हठी और दुराग्रही हो गया है। ख, भक्तिन के पास छात्रावास की छात्राएं क्यों आती हैं? इसका उत्तर है, भक्तिन के पास छात्रावास की छात्राएं इसलिए आती हैं क्योंकि उन्हें भक्तिन से अपने लिए प्रेम और सहयोग मिलता है। ग, छात्राओं के आने में रुकावट न डालने के लिए भक्तिन ने क्या उपाय किया है? इसका उत्तर है, छात्राओं के आने में कोई रुकावट न आए, इसलिए भक्तिन ने पाक छूत के नियम से भी समझौता कर लिया है। भक्तिन अपना दोनों वक्त का खाना बनाकर सुबह ही एक आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर वहां बैठकर
खा लिया करती है ताकि छात्राएं बिना रोक टोक के उसके पास आ सके। अब घा साहित्यकारों के प्रति भक्तिन के सम्मान का क्या मापदंड है? इसका उत्तर है, साहित्यकारों के प्रति भक्तिन के सम्मान का मापदंड यह था कि जो साहित्यकार महादेवी जी को जितना सम्मान और सद्भाव देगा, बदले में वह भी उन्हें उतना ही सम्मान और सद्भाव प्रदान करेगी। तो यह थी महादेवी वर्मा के गद्य पाठ भक्तिन के एक गद्यांश की व्याख्या और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। अगली बार हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय ज्ञात करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पर आपको हमारी वेबसाइट की वेब लिंक भी प्राप्त हो जाएगी, उससे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ जानने की इच्छा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, हमें उसका जवाब देते हुए खुशी होगी। धन्यवाद।